रुक जाओ। अरे क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो मुझे, क्या वजह है बताओ तो जरा। आगे जाने का हुक्म नहीं है। राज ज्योतिषी की पत्नी अब नहाने जा रही है, आम जनता का वहाँ जाना मना है, इसलिए नहीं जा सकती। अरे कुछ भी बोल रहे हो, दादागिरी कर रहे हो क्या, चलो छोड़ो रास्ता जाने दो। ए, प्यार से बोल रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रही है, जेल में डाल दूँ क्या तुझे, चल चुपचाप यहाँ से चली जा, जा। चलो बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिनों के बाद अच्छा खासा लकड़ी मिला, ये बेचने के बाद अच्छी खासी कमाई होगी। जल्दी जल्दी घर पहुंचता हूँ, बीवी बहुत खुश हो जाएगी देख के। भगवान, ओ भगवान, अरे भगवान क्या हो गया तुम्हें, क्यों रोए जा रही हो तुम, अरे कुछ तो बताओ। क्या मैं खुशी से रो रही हूँ, मेरा तो नसीब ही खराब है, खराब है मेरा नसीब। आखिर क्या हुआ बताओ तो जरा। अब होने के लिए बाकी क्या बचा है, अब जरा पड़ोस की बहू को तो देखो, उसका पति उसके लिए कितनी नई नई साड़ियाँ लेकर आता है। अरे मैं तो मामूली लकड़हारा हूँ, ये सब मुझे कैसे मिलेगा बताओ। अरे जब तक ये कुल्हाड़ी मेरे पास है, हमें दो वक्त का खाना मिल ही जाएगा। लालच मत करो भाग्यवान, लालच आदमी को खत्म कर देता है। औकात नहीं है एक पैसे की, और बातें करते हो बड़ी बड़ी, आज पता है क्या हुआ है? तुम थोड़ा बाद में भी तो जा सकती थी, इतनी जल्दबाजी क्यों की तुमने? अपना ये लकड़हारे का काम छोड़कर आप भी ज्योतिषी बन जाइए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या, मैं ज्योतिषी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो सब मुझे नहीं पता, अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में जो भी आता है वो उनके सामने बोल दो। लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी ना तो देखना मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ ज्योतिषी जी, जरा बताइए मेरी अंगूठी, मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ खो गई? आज सुबह स्नान करने के बाद मुझे मिली नहीं रही है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। एक छिपकली अब बिल में गया। क्या क्या? एक छिपकली बिल के अंदर चली गई। याद आया, याद आ गया, धन्य हो तुम ज्योतिषी जी, ये लो तुम्हारे लिए 100 स्वर्ण मुद्रा। अरे वाह, आप कितनी सारी सोने की मुद्राएं लेकर आए, एक दिन में इतनी कमाई। अगर ऐसा कुछ और दिन चलता रहा हम तो अमीर बन जाएंगे। हाँ। देखो भगवान, ये सब नहीं करना चाहिए, आज नसीब अच्छा था इसलिए बच गए, वरना कभी भी पकड़े जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, आपको हर रोज बैठना पड़ेगा।
महाराज, मेरी गणना से चोर का पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है ये सब चोर छुपने का मंत्र जानते हैं। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, इतनी सारी तनख्वाह लेते हो लेकिन एक चोर को नहीं पकड़ सकते। निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। महाराज, मुझे कुछ बोलना है आपसे, आप कहो तो बताओ। तुम्हें क्या चाहिए, बोलो बोलो, क्या बोलना है? जाओ, अभी जाओ, इसी वक्त जाओ और उस ज्योतिषी को यहाँ लेकर आओ। जाओ। मैंने सुना है तुमने मंत्री की अंगूठी ढूंढ के दी है। हाँ महाराज। तो फिर बताओ मुझे, मेरे यहाँ कल किसने चोरी की है? 40 चोर। चलो, कुछ तो पता चला, राज ज्योतिषी तो ये भी नहीं बता पाया। अगर तुम चोर को पकड़ पाओगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, अगर नहीं पकड़ पाए तो सूली पे चढ़ाऊंगा। मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए महाराज। कितना वक्त? 40 दिन, हर चोर के लिए एक दिन का वक्त। ठीक है, 40 दिन दे दिए, लेकिन 40 दिन से एक दिन ज्यादा नहीं। जो हुकुम महाराज। क्या हुआ, आज आप इतने जल्दी घर लौट आए? मैं क्या शौक से जल्दी लौटा? ये सब तुम्हारी करामात है, मैंने पहले ही मना किया था इतनी लालच मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अगर मैंने चोर को नहीं पकड़ा तो महाराज मुझे सूली पर लटका देंगे। क्यों, क्या हुआ, आपको अंगूठी जैसा क्यों नहीं मिला? अरे ये क्या, इतने से खजूर से क्या होगा? रोज एक एक खजूर खाऊंगा, पता नहीं खजूर कब मिले और इससे 40 दिनों का हिसाब भी रहेगा। क्या रे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? एक खबर लाया हूँ सरदार, आज महाराज ने दरबार में एक ज्योतिष को बुलाया था और उस ज्योतिष ने फट से बोल दिया कि हम कितने चोर थे। उसने सब कुछ महाराज को बता दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। चल तू एक काम कर, उस ज्योतिषी पे नजर रख और कल आके मुझे सारी की सारी खबर दे। अच्छा ठीक है सरदार, जो हुक्म। ये एक नंबर। अब हमको कोई भी नहीं बचा पाएगा, ज्योतिष हमको देखा भी नहीं फिर भी बोलता है एक नंबर। उसके नजदीक गया तो उसे सब पता चल गया, अपने आप बोलता है एक नंबर आ गया। ये तो बहुत चिंता की बात है, कल तू राजू को लेके वहाँ जा, तब देखते हैं क्या होता है। दो नंबर। ए 40 नंबर। अरे ये क्या सर्वनाश हो गया, मुझे माफ कर दो, अनजाने में मैंने ये सब कर दिया, मुझे माफ कर दो। हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। माफ कर दीजिए हमें। ठीक है ठीक है, पर एक शर्त है, 40 संदूक जहाँ से लेकर आए वहीं पर जाकर रख दो। अच्छा तो ऐसा ही होगा। क्या खबर लाए हो, कोई हाथ लगा? हाँ महाराज, सब के सब मिल गए। कहाँ है वो 40 चोर, जल्दी बताओ कहाँ है वो, कहाँ है वो चोर? बताता हूँ, पहले मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। आपको क्या चाहिए, चोर या फिर संपत्ति?
मैं तो चोर के लिए तेल गरम कर रहा था। ठीक है, आप संपत्ति लौटा दो। संपत्ति तो चोर से ज्यादा कीमती होती है ना। वैसे भी राज्य चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। ठीक है महाराज, मंत्री जी को भेजिए, राजकोष देख लेते हैं। मंत्री, जरा जाके खजाना देख के आओ। जाओ। महाराज, सारे संदूक लौट आए हैं। धन्य हो तुम ज्योतिषी। हमारे राज ज्योतिषी तो निकम्मे है, किसी काम के नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ, आज से तुम ही हमारे राज ज्योतिषी हो। ना महाराज, आपने हमें जो सम्मान दिया उसी से मैं धन्य होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। अरे भाग्यवान, ये देखो कितनी स्वर्ण मुद्राएं। अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। और लोभ मत करो, जितना मिला उतने में ही खुश रहो। हाँ, अब मुझे शिक्षा मिली है कि कभी लोभ नहीं करना चाहिए। मैं अब कभी लोभ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी।